हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि भंडोरा। सो आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। इसमें हमारी एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीट हो चुकी है और हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें चार एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं। सो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व, ठीक है। तो उसको यहाँ लिख देते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना, ठीक है। सो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस देख रखी होंगी मेरे चैनल पर तो आपको पता है हमें क्या करना है। जब भी एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स का तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हों तो सबसे पहले हमें चेक करना है उनका ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2, इसका भी 2 इंटू 2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करेंगे तब भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ही बनेगी। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ए। सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा है, ए। तो हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, ए प्लस ए। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी। सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, बी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस बी। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, माइनस बी। अब सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, बी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस बी प्लस बी। अब लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए। सेम प्लेस पे क्या लिखा है दूसरी मैट्रिक्स में, ए। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, ए प्लस ए। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट प्लेस में क्या है, ए प्लस ए। ए प्लस ए क्या होगा, 2A। तो यहाँ आ जाएगा 2A। नेक्स्ट एलिमेंट बी प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, 2B। अब देखो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, माइनस बी प्लस बी। तो देखो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो अगर आपको ये समझना है कैंसिल आउट कैसे हुआ, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो बी में से बी गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2A। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है हमें ऐड करना है इसको, किससे ऐड करना है, इस दूसरी मैट्रिक्स से। देखो हमेशा ऐड करने से पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम ही है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की ही आएगी। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, 2AB। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है, सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, 2BC, तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, -2AC। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2AC। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, -2AB। सो इन दोनों को हम एडअप कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2AB। अब देखो इसे सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस -2AC, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2AB। अब देखो इसको और सिंपलीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमें यहाँ फॉर्मूला पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो देखो ये सब हमारा क्या है, फॉर्मूलाज बन रहे हैं यहाँ पे, देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, तो ये हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, तो ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है, सो उसको मैं अब रब कर देती हूँ और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पहले इसको, हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और उन्हें हमें ऐड अप करना है। ट्वेल्व 8 3 7 0 2 6 5 4। अब देखो आपको पता ही है हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, और उससे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है, तो ये है 3 × 3, ये है 3 × 3, तो ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है, और ऐड होके हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 3 × 3 की ही बनेगी। सो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है -1, सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, 12, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 + 12। सेकेंड एलिमेंट के भी यही करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 8, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 0, यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ 16 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस,
ट्वेल्व में से वन गया इलेवन, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है, ट्वेल्व, और ट्वेल्व के आगे क्या है, प्लस, ठीक है, तो प्लस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इलेवन। फिर नेक्स्ट हमारा सेवन प्लस फोर कितना होता है, इलेवन, तो यहाँ आ जाएगा इलेवन। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस का सिक्स है, एक माइनस का सिक्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पे आ जाएगा एट प्लस एट सिक्सटीन, फाइव प्लस जीरो फाइव, सिक्सटीन प्लस फाइव 21। अब नेक्स्ट रो हमारी क्या होगी, टू प्लस थ्री फाइव, एट प्लस टू टेन, फाइव प्लस फोर नाइन, तो ये हमारा एडिशन आ गया है और हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो हमारा लास्ट पार्ट बचा है, हम उसे सॉल्व करते हैं, तो इसको रब कर देती हूँ। सो हमारा लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें हमें कहा गया है इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। ऐड करने से पहले हमें क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी टू इंटू टू है और ये भी टू इंटू टू है, ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की बनेगी, टू इंटू टू की। सो अब देखो हमें एलिमेंट्स लिखने हैं इस मैट्रिक्स के, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को प्लस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और सेम प्लेस में दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है दूसरे मैट्रिक्स पे, कॉस स्क्वायर एक्स, सो इन दोनों को एड अप कर देंगे और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, और सेम प्लेस पे दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन, ये हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, वन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये भी हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा वन। लास्ट एलिमेंट हमारा ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा वन। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एड अप करके सिंपलीफाई करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमने चारों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।